सारे यूपीएसआई के साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया भी था, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी डीवी पीएसटी फिजिकल इन सारी चीज़ों को लेकर के वेट बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। और तीन महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं मेरे पास जो आप सबको जान लेनी चाहिए, और वही बताने के लिए बेसिकली मैं आया भी हूँ। देखिए, कुछ पुराने परिचित जो, जैसे कि आपको पता है पब्लिक लाइफ है, कुछ पुराने परिचित जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, तो अब उनकी भी आ गई है कॉल कि वो वापस अपने अपने संस्थाओं में जाएँ, जिनमें से एक आध साथी जो है वो भर्ती बोर्ड में भी काम करते हैं, और ये मेरे लिए अच्छी बात है। हालांकि 3 साल हो गया, उनका ट्रांसफर भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन इन सबको इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि ये लोग, इलेक्शन खत्म हो गया, वो अपने अपने ऑफिस को ज्वाइन करें, तो सब अपने अपने ऑफिस में जा रहे हैं। और वो अब अपने ऑफिस में जाएंगे, सारे काम जो है सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे, जैसे उनका रैली का काम होता है वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये भी क्लियर हो गई है कि ये भर्ती को लेकर के सरकार ने साफ साफ मनसा अपनी क्लियर की थी कि अप्रैल तक ये भर्ती क्लोज करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो इसके आगे भी बात करेंगे। और एक और नई चीज़ जो थोड़ा सा टेंशन बढ़ा रही है कि कोर्ट को लेकर के एक नई चीज़ भी दायर की गई है, तो वो थोड़ा सा स्लाइड टेंशन दे रहा है, क्योंकि अभी तक एक भी हियरिंग नहीं हुई और उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि चीज़ें, तो इन सारे विषयों पर बात कर लेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट भी मिलती रहे और हम भी थोड़ा सा मतलब खुश होते रहे कि चलो भैया आप भी जुड़ रहे हैं। देखिए, अब मेन चीज़ यहाँ पर ये है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग नहीं करते हैं, बहुत कंजूस हैं आप लोग। तो देखिए, अब मेन चीज़ यहाँ पर ये है ना कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि मतलब, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको जो नहीं बताई थी वो अनऑफिशियल थी। आपको पता है पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो सपा के बहुत सारे नेता लोगों से हमारी बात होती थी, तो टच में रहते हैं सब एक दूसरे, तो वहाँ से चीज़ें निकल के आ रही थी कि अगर ये सरकार बदलेगी तो ये भर्ती को रद्द करके नया सिरे से भर्ती की जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे आरोप लग गए। तो ये चीज़ जो है ना, और एक आध मीटिंग में अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, तो ये चीज़ जो मैं देख रहा था ना, इसलिए मैं खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था कि हो सकता है, क्योंकि आप पीसीएस के ट्रेंड को देखें, जैसे योगी जी का सरकार आया था, बीजेपी की सरकार थी, उसने पीसीएस की भर्ती को रोक दी थी, सारे लोगों को रद्द करके री एग्जाम करा दिया था, तो ये चीज़ें चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैं अभी वोकल हो रहा था कि आप लोग अपने लिए स्टैंड लीजिए, नहीं तो चीज़ें खतरे में आ जाएंगी। अब जो है, जैसे एग्जिट पोल्स भी दिख रहे हैं बहुत सारे कि सरकार जो है नहीं बदलने वाली है और शायद वापस से बीजेपी की सरकार बनेगी, तो गवर्नमेंट ने, तो अगर यही गवर्नमेंट बनती है तो आपकी भर्ती सुरक्षित है। और ये जो है उनका स्टेटमेंट भी था कि वो अप्रैल तक इस भर्ती को पूरी तरह से क्लोज करेंगे, फाइनल कर लेंगे, तो और अगली भर्ती भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भर्ती अब बहुत जल्दी पूरी होने की दिशा में जा रही है, तो ये आप सबके लिए अच्छी खबर है। और अब आपको यहाँ से एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर ध्यान दे देना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको जेन्युइन गाइड कर रहा हूँ, तो मेरी बातें थोड़ा सा मान भी लिया कीजिए। देखिए, अगर आप लोग घर पे बैठे हैं, आप लोग को लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अपनी फिजिकल शुरू कर दीजिए। और मेडिकल में जो थोड़ी छोटी 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 प्रॉब्लम्स है ना, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है, या फिर डायबिटीज़ है, या फिर थोड़ा सा मतलब कम सुनाई देता है, तो आप लगातार ब्लूटूथ लगाते रहते हैं, कान में हाई साउंड सुनते रहते हैं, उसको लो साउंड पर सुनना शुरू कर लीजिए, इससे आपको मतलब, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जब मेडिकल के लिए जाएंगे ना, तुरंत से आपको वो चीज़ें वर्कआउट करती नहीं मिलेंगी, तो आज से ही आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। मैंने सुमित के लिए बोला भी था, डॉक्टर सुमित आप सबके बीच में आएंगे, लेकिन उसी बीच में कुछ इतना रायता कुछ लोगों ने फैला दिया, एक वीडियो मैंने डाला था, तो कि मुझे लगा कि चलो यार मुझे ट्रोल कर लेते, ठीक है, अब छोटा भाई है, ऊपर से डॉक्टर एमबीबीएस आएगा, और फिर आप लोग उसमें से, आप में से कुछ साथी उसको ट्रोल कर लें, तो मुझे नहीं लगा कि उसको लेकर के आना चाहिए। और फालतू का मतलब मैं सुन रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं पब्लिक लाइफ में वो तो है नहीं, फिर वो क्यों सुनेगा। बट आप में से बहुत सारे साथियों ने लगातार कहा कि नहीं सर, वो बहुत जरूरी है, तो सुमित को एक बार लेके आइए। तो फाइनली आज शाम को या कल सुबह आपको मैं मेडिकल की पूरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप देख करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी लगती है लेकिन वहाँ वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और सब कुछ होने के बाद मेडिकल में डिस्क्वालीफाई होना कितना बुरा लगता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप किसी प्रतियोगी से पूछिए जो कई बार मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और छोटी छोटी जैसे फ्लैट फोट, छोटी छोटी गलतियों की वजह से, तो इन सारी चीज़ों पे आप उनसे बात कर लीजिएगा। आज शाम को वो वीडियो या कल सुबह तक मैं डाल दूंगा, और आप सब उनसे जो है ब्रीफ ले लीजिएगा, और कुछ डाउट होगा तो उनको भी कमेंट कर लीजिएगा, मैं उनका एक लाइव सेशन भी अरेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए। ये हो गई मेडिकल की बात। डॉक्यूमेंट भी आप अपने रेडी रखिए, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि अब लोग अपने डिपार्टमेंट में चले गए हैं, काम शुरू हो रहा है, और आपके रिजल्ट की, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, कोर्ट में कुछ नई चीज़ें चल रही हैं, और नए नए एफिडेविट लगाए जा रहे हैं, नए नए एविडेंस के मतलब डाले जा रहे हैं उनके साथ, मतलब फाइल्स के साथ जोड़े जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा खतरा बन रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक सुनवाई हो जाती ना, तो समझ में आ जाता कि डायरेक्शन किस दिशा में जाएगी, अब इस दिशा में जाएगी या इस दिशा में जाएगी। अभी तक एक भी मतलब सुनवाई हुई नहीं टेबल पर, एक बार जज साहब देख लेते फाइल को तो समझ में आता, तो बताना थोड़ा सा ईजी रहता कि भर्ती किस पक्ष में जा रही है, रद्द होने की तरफ जा रही है या मतलब क्या हो रहा है, लेकिन एक भी सुनवाई नहीं हुई। फाइनली लगता है कि इस हफ्ते में, जैसे खबरें आ रही कि इस हफ्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है, और उसमें काफ़ी सारे नए एविडेंस भी जुड़े गए हैं, तो इस सुनवाई पर काफ़ी कुछ मतलब, अगर ये सुनवाई अगर होती है तो इस सुनवाई पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये सुनवाई पे में क्या होता है, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर ये जो हाई कोर्ट का पेच नहीं फंसता है यहाँ से, तो आप सबके लिए रास्ता बहुत सुगम है, और सरकार अगर सेम रिपीट करती है तो आपकी भर्ती पूरी तरह से इस महीने तक कंप्लीट हो जाएगी, या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगी, आपके काम शुरू हो जाएंगे। तो आपके जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं ना, आप मेडिकल से संबंधित, फिजिकल डॉक्यूमेंट से संबंधित, ये सारी चीज़ों को आप पूरा कर लीजिए, और विश्वास किया कीजिए आप लोग,
वो लॉन्ग तो कर लीजिए भाई, अपना काम तो करके रखिए, क्या पता आ ही जाए कॉल तो फिर आप क्या करेंगे, फिर तो आप लेके घूमते रहेंगे कि भाई मेरा ये नहीं बना है, मेरा डिग्री नहीं है, मेरे पास प्रोविजनल भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बाद में प्रॉब्लम फेस करें। तो आप अपना सारा फाइल बना के रेडी रखिए, क्योंकि आपका जल्दी ही सरकार बदलने के बाद से आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और सुगम बन जाएंगी, अगर यही सरकार रिपीट करती है, क्योंकि सरकार की ही पॉलिसी है तो वो इसे गड़बड़ नहीं करके, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, और मेडिकल को लेकर के जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत हल्का लगता है लेकिन यकीन कि ये छोटी छोटी चीज़ों से, ब्लड प्रेशर हाई है उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ओवरवेट होते हैं, कान में आप लोग को, हम लोग की आदत है हमेशा ब्लूटूथ या ईयरफोन लगा के हाई साउंड पे सुनते रहते हैं, बाद में जब उसमें कान में छोटा सा बीप बजता है ना तो आपको सुनाई नहीं पड़ता, तो आदत बनी हुई है तो सुनाई नहीं पड़ता है, लोगों को लगेगा कि आपका कान खराब है, समझ रहे हैं। तो आप ईयरफोन से भी थोड़ा कम साउंड पे सुना कीजिए, या फिर ईयरफोन यूज़ कम कीजिए, या फिर उसको सुनिए भी तो बहुत धीरे धीरे, ताकि आपके कान की फ्रिक्वेंसी ठीक हो, नहीं तो सब पास कर लीजिएगा और मेडिकल में फेल हो जाइएगा और घर आके बैठ जाइएगा रोइएगा फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और बाकी उम्मीद करता हूँ कि शाम तक आपको मेडिकल की वीडियो, या कल फाइनली कल लास्ट डेट है कि कल आपको मेडिकल की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए सही होगी, सूटेबल होगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।